देखिए, ख्वाहिशें तो मेरी बहुत ज़्यादा हैं और मैं बड़े दिनों से मतलब यहाँ पर आ रही हूँ और बस यही है कि मेरी ख्वाहिशें पूरी हो जाएं। दो तीन दिन से लगातार आ रही हूँ और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है और दिली बहुत अच्छा दिली सुकून मिल रहा है मुझे आने पर। और हाँ, लगता है कि इंडिया के अंदर इतने सारे मतलब मज़हब हैं और सब हर अलग अलग तरीके के फेस्टिवल्स मनाते हैं, तो इन्जॉय भी कर रही हूँ और उसके साथ मेरी जो ख्वाहिशें हैं और मैं उसकी भी दुआ मांग रही हूँ उससे। अच्छा, मुस्लिम होते हुए पापा के हिंदू मतलब पापा के दर्शन करने हैं, उसके लिए क्या करना चाहिए? जैसे बॉलीवुड के दबंग जो सलमान खान हो गए, पापा हो गए, तो लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, ऐसा होता है कि एक्टर का कोई धर्म नहीं होता है, आप कलाकार का कोई धर्म मज़हब नहीं होता है, आप सबके साथ खुश रहते हैं। रहा सवाल सलमान जी का, तो हाँ, वो बहुत मतलब सालों से बिठाते हैं गणेश जी को और इंशाल्लाह हम भी बिठाएंगे। हम तो मतलब चाहते हैं कि खुश रहो, चाहे कोई भी मज़हब हो आप। दिल से हम अल्लाह को मानते हैं लेकिन सबकी इज्जत करते हैं। डेफिनेटली अभी तो मेरी बहुत सी ख्वाहिशें हैं जो पूरी हो गई हैं और इंशाल्लाह आगे जो भी रहेगा मैं ज़रूर इनके पास आऊँगी जितने दिन तक ये चलेगा और मैं लगातार इनसे जो भी मेरी दिली ख्वाहिशें हैं, मेरी दुआएं मैं मांगती रहूँगी। अच्छा, फिल्मों के लिए कोई आशीर्वाद मांगा या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, फिल्म तो ऑलरेडी है, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन हाँ हाँ, मैंने बहुत ज़्यादा, मैंने बोला ना आपसे वैसे भी कि मेरी जो ख्वाहिश है वो मैंने मांगी हैं और इंशाल्लाह पूरी होंगी मेरी, उसमें मूवीज़ भी हैं। अच्छा, फैंस को क्या कहना चाहेंगे गणपति बप्पा के लिए, विश कर दीजिए और अपने दर्शकों से क्या कहना? मैं अपने दर्शकों से बोलना चाहूँगी जो मुझे प्यार करते, लव यू सो मच, और आप लोग सब मेरा साथ दीजिए और राधे माँ को जल्द से जल्द देर जेल पहुँचाइए और मुझे कामयाबियों की शिखर पर देखिए और गणपति बप्पा मौर्या। नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम नेवड़ा पटमन है। सर, आप जानना चाहेंगे जितने से आप पिछले 27 साल से गणपति बप्पा को ला रहे हैं, तो बताएंगे कितने लोगों का मेहनत किया गया, कितने लोगों ने मेहनत किया, जितने से आपने डेकोरेशन किया, कितना बजट लगा, उसके बारे में बताइए। मेहनत जो है वो हर साल मेरे मंडल के बहुत लड़के लोग हैं और सारे लड़के मेहनत करते और सब लगन से काम करते हैं। 27 साल हो गए ये मंडल को हमारे, और इसमें कोई जात पात कोई धर्म को लिए लेके हम लोग काम नहीं करते। आप अगर मेरे मंडल का सिंबल भी देखोगे तो सब जात को साथ में लिए है। मेरा कहना यही है, आम इंसान और पब्लिक को मेरा मैसेज है कि सारे धर्म एक समझ के चलो, इंसानियत के हिसाब से लाइफ में काम करना होना चाहिए, मेरा यही संदेश है। पप्पा के प्रति आपको कितनी श्रद्धा है, कितना पूजा पाठ करते हैं आप? पप्पा के लिए मुझे पूरा श्रद्धा है और पूजा पाठ तो रोज़ हम लोग का आरती होता है और पंडित जी आके हमारे पूजा पाठ करते हैं और सभी लोग हमारे पूरे एरिया के बहुत जन का सब बहुत एरिया के लोग हमें कोऑपरेट करते हैं। इधर हमने सुना है कि आप काफ़ी मंडलों को देखते हैं, कि बताएंगे कितने मंडल है जिसको आप देखते हो? मेरे लोगों की मदद, काफ़ी सारे मंडल है जो मलाड में है, मालूनी में है, काफ़ी सारे मंडलों को जो भी मेरे से सहयोग हुआ था मैं करता हूँ। विसर्जन के टाइम भी उधर सहयोग करता हूँ, जो भी लड़के लोग जो विसर्जन करते हैं अपने वहाँ पर लास्ट के जो है एंड में, उन लोगों को भी सहयोग है मेरा, सभी तरीके का सहयोग करता हूँ। मुझे अच्छा लगता है लोगों का सेवा और काम करने का। अर्शी खान दर्शन करने आए, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मुस्लिम महिला होते हुए ये बहुत अच्छा उनसे एक मैसेज जाएगा लोगों को कि जात और धर्म नहीं समझ के लोग, और इस चीज़ में अगर अर्शी खान जी अगर आइए इधर तो उनका बड़प्पन है और ये मैसेज पब्लिक को ये मैसेज जाना चाहिए। अच्छा, विसर्जन के दिन कुछ खास तैयारी अपनी तरफ से, कुछ आयोजन, भंडारे का या कुछ संगीत कार्यक्रम का कुछ आयोजन किया गया? हम लोग की माता की चौकी होती है इधर और साईं बाबा का भंडारा होता है, ऐसे एक एक दिन 11 दिन है इधर, 11 दिन में एक एक दिन अलग अलग प्रोग्राम होता है, हर रोज अलग अलग प्रोग्राम है। मैम, आप क्या कहना चाहेंगे नेवरा सर के बारे में, कब मुलाकात हुई? देखिए, ये मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं और लगातार मेरी इनसे रोज़ मुलाकात होती है, क्योंकि हम लोग के कुछ ऐसे पर्सनल चीज़ें होती हैं वो हम लोग को डिस्कस करना रहता है, और मैं इनके लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि एज अ कैथोलिक गाय ये एक 27 ईयर्स से इतना बड़ा ये बनाते हैं और गणेश जी को यहाँ पर लाते हैं। तो इट्स अ गुड मैसेज फॉर एवरीवन कि आपका रिलीजन जो है वो आप उसी में ना रहें, सारे रिलीजन की हर चीज़ हर फेस्टिवल को सेलिब्रेट करें। अच्छा, एक बार जोर से गणपति बप्पा मौर्या बोलिए। मैं बोलूँ? हाँ, गणपति बप्पा मौर्या, गणपति बप्पा मौर्या। थैंक यू।